सभी को मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में नाइन्थ क्लास के लिए आपका चैप्टर जो मोशन चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन चैप्टर जो है आपका उसमें आपको क्या पढ़ना है, मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी आप समझते हैं ना, ग्रेविटी क्या होती है आपको पता है। अर्थ जो है अपनी ओर एक फोर्स लगाती है हर चीज पर, कोई भी चीज छोड़ोगे तो फोर्स लगेगा, है ना। तो ये जो फोर्स है, जो अर्थ नीचे की ओर फोर्स लगाती है हर वस्तु पर, इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और ग्रेविटी, इस प्रॉपर्टी को ग्रेविटी कहा जाता है। अर्थ में जो प्रॉपर्टी है कि हर चीज को अपनी ओर खींचती है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं, देखो जैसे इसे छोड़ा, तो यदि आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो वस्तु नीचे गिरने लगती है ना। और आप देखते हैं कि यदि यहाँ से छोड़ते हैं तो छोड़ दोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते गिरने से ठीक पहले उसकी स्पीड जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि नीचे की ओर छोड़ते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है, और ऊपर की ओर फेंकते हैं तो स्पीड ऊपर की तरफ घटती जाती है ना। ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी तो स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है, फिर क्षण भर के लिए रुकेगा, घटते घटते स्पीड जीरो हो जाएगी, क्षण भर के लिए रुकेगा कोई भी वस्तु, है ना, रुकेगी और फिर वो दोबारा नीचे चलने लगेगी। जैसे वो नीचे चलने लगती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को, बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी घटती है, और जब नीचे की ओर फेंका जाता है तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि स्पीड या वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। यदि ग्रेविटी आपको बताया नीचे की ओर है और आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, स्पीड, देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है यदि, तो क्या होगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड या वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यदि ग्रेविटी तो नीचे की ओर है ही और आपकी जो बॉडी जा रही है उसकी मोशन भी नीचे की ओर है तो इसमें स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी बात समझ में आई। तो और आपको एक बात पता है, जब कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो नीचे की ओर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसे नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और मैंने बता रखा है कि वेलोसिटी के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहा जाता है, पढ़ाया था ना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, स्पीड या वेलोसिटी के बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यानी जब इस तरीके से कह सकते हैं, व्हेन एनी बॉडी, है ना, फॉल्स मानी गिरती है। ठीक है, व्हेन एनी बॉडी तो कोई व्यक्ति हो जाएगा, फॉल्स मानी नीचे गिरती है ना, व्हेन एनी बॉडी फॉल्स डाउन नीचे की ओर अंडर द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी के कारण नीचे गिरती है कोई भी वस्तु, है ना। तो व्हेन एनी बॉडी फॉल्स अंडर द ग्रेविटी तो क्या होता है, तब उस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, क्लियर है। तो देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, बताया था मैंने, स्पीड जब बढ़ती है, वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, दिस एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण। तो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी के कारण, तो इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। और मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कि प्रत्येक बॉडी जो है अर्थ की ओर खींचती है, तो अर्थ हर बॉडी पर एक फोर्स लगाती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे क्योंकि बहुत फेमस है ये। ठीक है, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी नीचे की ओर चलती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो एक एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। बात समझ में आई। तो ये सब बातें मैंने किसकी बताई, मोशन अंडर ग्रेविटी।
ग्रेविटी के अंतर्गत जो मोशन होती है उसके बारे में ये बातें हैं, ठीक है। एक बात और, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को देखो ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है इसलिए इसे ए से डिनोट नहीं करते, इसे जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। क्लियर है? तो स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसकी वैल्यू होती है, 9.8, ठीक है। और आपको बताया एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट थी वो क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यूनिट निकालनी है आपको, तो डेल्टा वी यानी यूनिट, ये वेलोसिटी में चेंज, एक वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम अपॉन में भी है, तो फिर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी तो एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। तो इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 होती है, और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जो लैंग्वेज में बोलता हूँ ना, इंग्लिश में, वो आपकी लैंग्वेज है ना, जिसे आप नोट्स में लिख सकते हैं। बाकी PDF नोट्स भी है ना, चलो मैं दे दूंगा इस टॉपिक के, तो है ना। बाकी नोट्स आप वीडियो की हेल्प से ही बनाया करें, उससे आपका बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप फिर है ना PDF नोट्स मांग सकते हैं उससे। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आया। और अब आप एक बात देखें, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? स्पीड के बढ़ने को। तो नीचे की ओर स्पीड बढ़ती है ना, तो नीचे की ओर जी की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव रहती है, और ऊपर की ओर स्पीड घटती है तो जी की वैल्यू जो है ऊपर की ओर चलने पर निगेटिव रहती है। ये बात भी आप लिख लेंगे नोट करके, ठीक है। जब बॉडी नीचे की ओर फेंकी जा रही हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव है, और जब बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जा रही हो है ना, व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड, वो इज प्रोजेक्टेड है ना, फेंकी जाती है अपवर्ड्स, तो जी की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। बात समझ में आई? अब आप देखें इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैंने बता रखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं आपने, लेकिन ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, ये इक्वेशन जो हैं वो मोशन की हैं, लेकिन कौन सी मोशन की? मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंतर्गत जो मोशन होती है ना, उस मोशन की इक्वेशन क्या है? वे इक्वेशन तो आपको पता है, देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, वो वाली। लेकिन यहाँ पे जो ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? देखो v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और a एक्सेलरेशन है वहाँ पे, है ना। लेकिन अब जो एक्सेलरेशन है उसे हम g से डिनोट कर रहे हैं, तो वे हो जाएगी g, और t टाइम टू टाइम है। और ये इक्वेशन में देखो प्लस माइनस आ सकता है, प्लस कब आएगा? मैंने बताया जब बॉडी नीचे की ओर फेंकी जा रही है, और माइनस कब आएगा? जब बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। मैं लिख देता हूँ ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ कब है ना, जब बॉडी डाउनवर्ड्स जा रही है ना, बॉडी की मोशन कैसी है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की ओर, तो लिखा है ना मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड्स, ठीक है। नीचे की ओर जी बढ़ता है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, और सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे चेंज करके बताओ क्या आएगा, इसे चेंज करो किसमें है ना, इसमें, यानी ग्रेविटी के अंडर जो मोशन है उसकी इक्वेशन में। तो आप देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट है ना ऐसे है हॉरिजॉन्टल, लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाए, क्योंकि ऊपर से फेंक रहे हैं किस बॉडी को, नीचे जा गिरेगी, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो है, मान लो यहाँ थी पहले अब यहाँ आ गई, तो ये हाइट तो है, तो यही डिस्प्लेसमेंट है जो अब क्या बन गई? हाइट। तो ये हाइट लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर, यू ऐसे रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है हाफ, और ए के प्लेस पे यहाँ क्या आ जाएगा? जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? थर्ड इक्वेशन होती है आपकी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस टू ए एस। तो देखो ये थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस टू ए के प्लेस पे जी आ जाएगा, और मैंने बताया एस के प्लेस पे एच आया था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। बात समझ आई? तो ये कब है? व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड, वो इज प्रोजेक्टेड या
है ना फेंकी जाती है, या व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड्स, जब बॉडी नीचे की ओर गिर रही हो तब इक्वेशन ये हो जाएंगी, क्योंकि ग्रेविटी तो दोनों स्थितियों में काम करेगी, कोई बॉडी आप ऊपर की तरफ फेंको लो तो भी ग्रेविटी काम करेगी, नीचे की ओर फेंको तो भी ग्रेविटी काम करेगी। लेकिन ये इक्वेशंस कब है आपकी, व्हेन है ना, ये हेडिंग लिख के आप फर्स्ट हेडिंग लिख लेना, व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, और फिर ये सारी इक्वेशन लिख देना, और फिर सेकंड हेडिंग डालना व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, जब बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाती है, और फिर देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी ना, तो इक्वेशन हो जाएगी फिर आपकी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, बाकी हर बार बदल जाता है तो पुराने नोट्स दिए नहीं जा सकते, क्योंकि इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में मैं कुछ और पढ़ा दूँ और फिर वे नोट्स उपलब्ध नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें नहीं बता दी हैं और पिछले साल क्या होता ना कराई हूँ, तो हर बार बदल जाता है। लेकिन फिर भी मैं है ना जो नोट्स हैं वो मैं डाल दूंगा, लेकिन बाकी आप नोट्स बनाया करें वीडियो के कॉम्बिनेशन, वीडियो और पीडीएफ नोट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने नोट्स बनाया करें, है ना, और बुक से भी देख लिया करें इंपॉर्टेंट चीज़ें, तभी देखो बहुत अच्छा ज्ञान होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, चीज़ें रटी नहीं है, चीज़ें समझनी है, ठीक है, तो ये नोट्स अपनी हेल्प से बना लेना, बाकी मैं पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छे से, समझते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।